So this is my Gaddi dog, and in this video I will give you full detail about Gaddi dog. So firstly we will start with weight. So generally Gaddi dog weighs between 40 to 60 kg, and his name is Dabang firstly, and his weight is also I guess 40-45 kg. The second thing is height. इतनी ज़्यादा हाइट नहीं होती है इनकी, लगभग 28 से 34 इंच तक ये जाते हैं. जितना आप मतलब एल्टीट्यूड के हिसाब से जितना आप हाइट ऊपर पर जाओगे तो उतना इनका हाइट बढ़ता है, उतने अच्छे आपको क्वालिटी का गद्दी डॉग मिलेगा. सो बाइट फोर्स भी है, बाइट फोर्स ऐसा मेरे को कुछ अंदाज़ा नहीं है, बट स्टिल इनकी बाइट फोर्स मोर देन 300-350 PSI से ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज आप इनका हेड साइज़ देख सकते हो, दे आर हैविंग अ गुड हेड साइज़. सो इतना इनका बाइट फोर्स रहता ही है. तो नेचर, आप ये काम नेचर का होता है बहुत, वैसे सबके साथ फ्रेंडली होता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है. टेम्परामेंट भी वही कि अगर डॉग्स के साथ तो कोई और डॉग्स अगर इनको दिख जाए तो फिर वो छोड़ते नहीं है. टेरिटोरियल होता है ऐसे एक हिसाब से बहुत, अगर इनकी टेरिटरी में कोई भी आ जाए, पहाड़ों में रहते हैं ये तो उस हिसाब से फिर तो लड़ने के लिए ये बहुत होता है, इसका भी बहुत बार लड़ता रहता है ना दब्बू सोहरा भी. एंड नेक्स्ट इज एग्रेसिव वही बात है, ऐसे तो एग्रेसिव देखो अभी इसको कुछ आवाज़ आया तो थोड़ा अलर्ट हो गया, सो रहा था वो. दूसरा मेरा है सिम्बा, नहीं कुछ नहीं है, तो एग्रेसिव ऐसे तो नहीं है. देखो कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई एंड वो देखने जा रहा है. दोनों बहुत अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं, पहले तो गद्दी डॉग्स, ये मैं आपको बता दूँ. एग्रेसिव वही डॉग्स के साथ और डॉग्स के साथ उतना एग्रेसिव होता है, ये बस ये देखता है अगर किसी ने इनकी पूंछ कोई डॉग आके ऐसे ऊपर कर रहा है तो इनको लगेगा कि भाई हाँ ये अपनी डोमिनेशन दिखा रहा है, तो फिर तो ये लड़ेंगे. अगर दूसरा आके सरेंडर कर दे कि भाई पूंछ नीचे कर दे और इनके सामने बिल्कुल ऐसे आ जाए तो फिर ये लड़ाई नहीं करते. थर्ड इज़ बिहेवियर, ये वही हो गया टेम्परामेंट नेचर वाला ही, बिहेवियर भी उतना ऐसा अच्छा बिहेवियर है, अच्छे से रहते हैं और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. वेदर कंडीशन में ये रहता है कि इनको हाइट में ठंड में रहना ज़्यादा पसंद है. जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो ये जहाँ रहता है वहाँ पे कितना ऐसा है, तो यहाँ पे भी या रात को भी जब बर्फ़ पड़ती है तो बारिश होता है, ऐसा कुछ नहीं है. और ये दूसरा है, इसको कोट वगैरह उड़ के कंबल वगैरह ढाल के सुलाना पड़ता है, ये नॉर्मल पत्थर के ऊपर भी सो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है इनका. तो फर भी आप इसका देख सकते हो, कोट इनका बहुत डेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, तो वो ही है. बाकी है बहुत प्यारा है यार. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ डिजीज़. तो अभी तक मैं आपको सही में बताऊँ, इसका ना कोई वैक्सीनेशन हुई है, ना इसको कभी डिवॉर्मिंग कराई है, तो कभी भी, और ना इसको कोई दिक्कत आई है आज तक, अभी कुछ भी दिक्कत नहीं आई है. तो डिजीज़ से ये बहुत मतलब इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होती है, और डिजीज़ इनको वैसे बहुत कम चांस होता है कुछ होने का. द नेक्स्ट इज ओके, सो केयर एंड मेंटेनेंस. केयर एंड मेंटेनेंस मैं आपको बोलूँ, आज तक इसमें कभी कोई ग्रूमिंग नहीं किया है, ना कभी इसको बस अब जब से सिंबल आया है ये तब से इसको शैम्पू से नहला लेते हैं, वरना उससे पहले ये खुद ही नदी वगैरह में जाके अच्छे से हो जाता था. तो केयर का भी कुछ ऐसा नहीं है, मेंटेनेंस मतलब मैं तो बोलूँगा ज़ीरो है. द नेक्स्ट थिंग इज़ ट्रेनिंग ऐसे मैंने तो इसको ट्रेनिंग दी नहीं है, क्योंकि अभी इसकी एज होगी है अराउंड 7 ईयर्स, हाँ नो 5 to 6 ईयर्स है. तो बट फिर भी मतलब जो बेसिक होता है वो ऐसा कुछ नहीं, इसको थोड़ा मैं सिट वगैरह ये समझ आता है और सब कुछ ऐसे इंटेलिजेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है. नेक्स्ट थिंग इज़ प्राइस. ओके द प्राइस इज अनदर मेन थिंग. तो जिस प्राइस में मैंने इसको लिया था, इसको मैंने 1500 पे परचेज किया था. यस आप सही सुन रहे हो, इट्स नॉट 15,000, इट्स 1500. तो अब तो मैं इसके लिए मतलब दूंगा तो ऐसे किसी को नहीं, बट अब इस क्वालिटी का आपको 15,000 में भी नहीं मिलेगा. इसका कोट देख सकते हो कितना डेंस है, इसका आप नेक साइज़ देख सकते हो, सब कुछ बहुत अच्छा है. तो प्राइस भी मतलब यहाँ पे अगर आप पहाड़ों में मिलोगे आओगे तो बहुत सस्ते में आपको ये मिल जाता है. तो प्राइस भी हो गया. बाकी ये एक बहुत अच्छा गार्ड डॉग होता है, तो यहाँ पे कभी भी जैसे हम यहीं पे रहते हैं देख सकते हो आप चारों तरफ शेप वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे भी ये कभी बंदर वगैरह आते हैं तो उनके लिए फिर एग्रेसिवली पड़ जाते हैं. ओके थैंक यू. जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ, चलो चलो चल 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 चल
बजन को बस थोड़ा ऐसा बोलना, चल पढ़ 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 चल चल। अब सिम्बा भी काफ़ी, ये देखो बिल्कुल ट्रेंड हो गया दोनों, तो ट्रेनिंग आप ये देख सकते हो यार, विश अच्छा गार्ड डॉग आपको क्या चाहिए। अब यहाँ पे फिलहाल कुछ है नहीं, बट अगर कुछ जानवर वगैरह दिख जाए, बंदर वगैरह दिख जाए तो फिर तो आप इसका पोस्चर देख सकते हो, साइज देख सकते हो, हेड साइज देख सकते हो, नेक देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। और डाइट इसकी सिर्फ लस्सी, इसको क्या बोलते हैं, पेट भर के पिलाते हैं, और एक मोटी सी रोटी मिल जाती है। वो देखो चला गया पूरा नीचे की भाई क्या है। तो यार दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट गद्दी डॉग्स, जितना मुझे पता था। और अगर आपको कुछ लगता है कि समथिंग मोर और समथिंग दैट आई हैडन टेल, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, उसको भी मैं बिल्कुल कवर करूँगा। एंड एक बार आप व्यू देख लो, तो इफ़ यू वांट तो आप उसके लिए भी गद्दी डॉग, तो आप उसके लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वैसे मेरे पास है नहीं, बट अगर मैं हो सके कहीं से प्रोवाइड कर सकूँ तो। कहाँ से लगे ये दोनों, तो थोड़ा करना पड़ता है बस, और निकल जाते हैं ढूंढने की भाई, कुछ तो होगा। सो ओके, थैंक यू।